नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं लहरे नेटवर्क। आज लहरे नेटवर्क से एक ऐसी हस्ती जुड़े हैं जिन्होंने आर्ट की दुनिया में तो अपने नाम का लोहा मनवा ही लिया है, इसी के साथ साथ समाज को सुधारने का भी बीड़ा उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया है। मैं किसी और की नहीं बल्कि एक प्लेबैक सिंगर की बात कर रहा हूँ जिनका नाम है बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो जी, स्वागत है आपका लहरे नेटवर्क पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्या आपने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि पहले मैं सिंगर बनूंगा और उसके बाद पॉलिटिशियन, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली अनचाहे तरीके से हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली तो बात यह है कि टीनेज में मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का, ओपनिंग बैट्समैन। अच्छा। जो है मेरे आइडल सुनील गावस्कर थे, मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा था, बट किसी भी वजह से वो सुबह जाके प्रैक्टिस करना ये सब हो नहीं पा रहा था, उससे स्टडीज जो है वो इरेक्ट हो रहे थे, तो मुझे पता चला वो फिर वो नहीं हो पाया। लेकिन मेरे ख्याल से जब मैं 4 साल की उम्र से मेरे ग्रैंडफादर एनसी बराल साहब उनके से मैं संगीत का तालीम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे डैडी मेरे अंकल सब बड़े बेहतरीन सिंगर्स हैं, लेकिन और मैं भी 4 साल की उम्र से ही सिंगर हूँ। कहीं पे भी जाऊं तो मुझे गाना गाना ही पड़ता था जब मैं छोटा था तब से ही। और कॉलेज मतलब डॉन बॉस्को के लिए ऑल इंडिया म्यूजिक चैंपियन रहा मैं 2 बार 83-85 में। उसके बाद जब मैं कॉलेज में था उस वक्त मैंने मेरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हुए कलकत्ता में जो म्यूजिकल फेस्ट कॉम्पिटिशन होता था, कॉलेज फेस्ट जो होते थे, उसमें मोर देन 40 अवार्ड जीता। तो उस टाइम पे मेरे दिल में एक कॉन्फिडेंस आया कि और एक शायद यकीन आया कि मेरा माई नेचुरल एबिलिटी टू सिंग वॉज डेफिनेटली बेटर देन माई नेचुरल एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट। तो मैंने जो है संगीत को चुना, ऐसा नहीं कहूंगा, मैं सिंगर तो ऑलरेडी था। और मुसीबत ये होगी कि उस 20 साल की उम्र में मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में नौकरी मिल गई कलकत्ता में। तो इकलौता बेटा, इतना सेटल्ड, अच्छी नौकरी, सब चीज को छोड़ के आप एकदम अननोन अनसर्टन दुनिया में आप छलांग लगाओ, तो कोई आपको सपोर्ट करने वाला है नहीं। तो भले वो उस वक्त ट्रोल शब्द तो नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों के बीच में, फैमिली में, पेरेंट्स सब तरफ से बहुत ट्रोलिंग भी हुई, बहुत रेजिस्टेंस भी हुआ। कोई नहीं चाह रहे थे कि मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन मैं भागा बॉम्बे एट द एज ऑफ 22 1992। और आई जस्ट वॉन्टेड, मुझे सिर्फ अपने आप को एक मौका देना था। फेल होता तो फेल होता, कोई बात नहीं, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखना, वन लाइफ वन चांस टू जंप, यू आर नेवर कमिंग बैक हियर एनीमोर, यू डोंट नो। सो मैंने अपने आप को चांस दिया। बाकी यू नो, व्हेन यू रियली वांट समथिंग द यूनिवर्स ऑलवेज कंस्पायर्स इन योर फेवर, ऐसा तो नहीं कहते हैं बट कह सकते हैं, बट यस इट डज कंस्पायर इन योर फेवर एट टाइम्स। पॉलिटिक्स में कहा है तो चांस मीटिंग था स्वामी रामदेव जी के साथ, प्लेन पे एक 2 मिनट की बातचीत हुई, वहां पे मुझे लगा कि जो है एक झील के उस पार कुछ है, एक मोमेंट प्लेन में थी, एक मोमेंट बनी थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज मुझे चैलेंज कर रही है। तो मैंने कह दिया उनको कि आप मेरा नाम लिख लिए बंगाल से, एक सीट अब मैं जीत के दूंगा। वो हुआ भी बाद में, तो एक बार नहीं 2 बार जीता मैं। तो समटाइम्स यू डू थिंग्स इन अनप्लान्ड वे एंड रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस दैट लाइफ गिव्स यू। सब चीज आप प्लान करके जाएंगे तो हो सकता है कि आपके सामने बहुत बड़ा कोई मौका आए और उसे आप, क्योंकि आपका प्लान इतना ठोस है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उसे आप खो दे। करेक्ट, होता है ये कई बार। तो आज जब आप अपने आप को देखते हो एज अ सक्सेसफुल सिंगर एंड ऑफ कोर्स एन अ पॉलिटिशियन, तो कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्यों नहीं। देखिए, अब मैं जो है मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से हर आदमी की जिंदगी में ना जो अच्छा लगता है वो चीज करने के लिए बहुत समय होता है। अगर आप अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो जो भी चीज आप करना चाहते हैं वो उसके लिए आपके पास भरपूर समय है। मैं आज भी फुटबॉल से बहुत प्यार करता हूँ, क्रिकेट से, तो फुटबॉल तो मैं अभी भी हफ्ते में 2 दिन खेलने की कोशिश करता हूँ, हो भी जाता है। हर जगह किट लेके चलता हूँ, गार्डनिंग करता हूँ, पंछियां बहुत है, बड़े बड़े पंछियां हैं। अब आई लव इट एंड आई डू इट, व्हाटएवर आई वांट टू डू आई डू इट। तो बाकी सक्सेस होता है, फेलियर होता है, हर चीज में होता है। जब फेलियर होता है तब भी वो बीत जाता है, जब सक्सेस होता है तब भी वो बीत जाता है।
उसे याद रख के चलना है। Thank you.